गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम लता मैम फ्रॉम प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल, स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश, पेपर सॉल्यूशन 1, पार्ट 3। ओके, इसके दो पार्ट देखे थे हमने, आई थिंक नहीं, तीन पार्ट देखे थे, आज शायद पार्ट 4 है। ओके, जो भी होगा मैं इसमें लिख के आपको भेज दूँगी, देख लेना आप लोग। अब हम इसका सेक्शन बी कर रहे हैं आज। तो सेक्शन बी में आपको पता है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो फंक्शन दिया है उन फंक्शन का यूज़ करके हमें क्या करना है, कि जो फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। क्या दिया है, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। फिर ब्लैंक दिया है और यहाँ पर फंक्शन दिया है डिस्क्राइबिंग एक्शन। ओके, क्या करना है, यहाँ पर जो क्रिया है उसको डिस्क्राइब करना है। बात किस चीज़ की हो रही है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि प्राइस वितरण हो रहा है, प्राइस वितरण सेरेमनी हो रही है, उसमें क्रिया बताना है कि कहाँ पे किस प्रकार से हो रही है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वॉज हेल्ड एट टाउन हॉल। ओके, जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो टाउन हॉल में रखी गई है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डू यू लाइक, ब्लैंक दिया है। अब डू यू लाइक यहाँ पर पूछा गया, भाई आपको क्या पसंद है। अब यहाँ पर हमें फंक्शन यूज़ करना है एक्सप्रेसिंग अल्टरनेट चॉइस। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, अल्टरनेट चॉइस, यानी कि ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और, आइदर और यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर तो और से बैठ ही जाएगा ना, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। ओके, आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, बंटी एंड बबली। क्या दिया है, बंटी एंड बबली मेट। मेट दिया है और उसके आगे ब्लैंक दिया हुआ है और हमें फंक्शन यूज़ करना है डिस्क्राइबिंग टाइम। तो बंटी और बबली कब मिले, उस समय को हमें डिस्क्राइब करना है। तो हमारे अकॉर्डिंग लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फाइनली दिया हुआ है कि भाई आपको यही टाइम यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। इसमें यह चीज़ अच्छी होती है कि हम अपने आप सेंटेंस बना सकते हैं, बस फंक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बबली, बंटी एंड बबली मेट इन द पार्क एट 6 o'clock। ओके, टाइम जोड़ दिया हमने कि बंटी और बबली मिले, कहाँ मिले, इन द पार्क एट 6 o'clock, और समय को जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा डिस्क्राइबिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे हैं, कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग द फंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे डायलॉग को कंप्लीट करना है और जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पे दिया है सेंटेंस, जैनिल बोल रहा है, डू यू नो मिल्खा सिंह अंजलि। तो जैनिल पूछ रहा है कि अंजलि, क्या तुम मिल्खा सिंह को जानती हो। तो अंजलि का आंसर क्या है, येस आई नो, हाँ मैं जानती हूँ मिल्खा सिंह। क्या, मिल्खा सिंह। अब यहाँ पे क्या करना है, उस पर्सन को डिस्क्राइब करना है। ओके, क्या करना है, यहाँ पर उस पर्सन को डिस्क्राइब करना है। तो मिल्खा सिंह किस प्रकार से जाने जाते हैं, उस सेंटेंस को यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से बनाएंगे, अगर बनना चाहे तो, येस आई नो मिल्खा सिंह हु इज़ नॉन एज फ्लाइंग सिख। तो उनको किस नाम, किस प्रकार से वो जाने जाते हैं, फ्लाइंग सिख, सिख के नाम पर जाने जाते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, येस आई नो मिल्खा सिंह हु इज़ नॉन एज फ्लाइंग सिख। ओके, तो ये सेंटेंस एक इस प्रकार से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जैनिल बोलता है, यू आर राइट। जैनिल क्या बोलता है, तुम सही हो। अंजलि बोलती है, बट डू यू नो वेयर ही वॉज बॉर्न। नेक्स्ट अंजलि क्या पूछती हैं कि, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो जैनिल बोलता है, येस ही वॉज बॉर्न इन गोविंदपुर। कहाँ पर, ही वॉज बॉर्न इन गोविंदपुर। अब गोविंदपुर कहाँ पर है, इन पाकिस्तान। ओके, आगे ऐड कर देंगे हम इसके अंदर पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि अभी टॉपिक में करंटली करवा रही हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत क्लास में करवाया था मैंने, 9th में हमने सीखा हुआ है, तो उससे आइडिया लगा करके आप लोग कर सकते हो मैं। ओके, सेंटेंस क्या है, देवयानी बोलती है, विल यू मैरी मी। तो देखो, इस पहले तो हमें क्या करना है, सेंटेंस का टाइप पहचाना है, ठीक है।
वो सेंटेंस किस टाइप में है, इंट्रोगेटिव दिखाई दे रहा है, प्रश्नार्थ निशान लगा हुआ है, और विल दिया है, यानी कि विल क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है। ओके, तो कैसे बनाओगे आप सेंटेंस, अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, आस्क लगाते हैं। तो देवयानी आस्क, अब किससे पूछ रही है, उसका डिस्कशन किससे हो रहा है, कच से हो रहा है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे देवयानी आस्क्ड कच। अब क्वेश्चन किससे बना है, डब्ल्यू एच से बना है, तो क्या लगाओगे, कंजक्शन इफ़ लगाएंगे। ओके, हमने रूल में पढ़ा था ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से बना है तो इफ़ अथवा वेदर लगाएंगे, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से बना है तो इफ़ अथवा वेदर लगाएंगे, और अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से बना है तो वही डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हम कंजक्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर विल से बना है, यानी ये हमारा क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हम कंजक्शन के रूप में क्या यूज़ कर सकते हैं, इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। देवयानी आस्क्ड कच इफ़। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट पहले चाहिए, क्योंकि सेंटेंस कैसा बनाना है, हमको असर्टिव बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, क्या है, यू। अब यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड पर्सन का चेंजेस हम किसके अनुसार करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, बताया था ना मैंने, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन का हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पे यू की जगह पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही लगा दिया, और विल का क्या बन जाएगा, वुड हो जाएगा, मैरी मी दिया है तो मी के अकॉर्डिंग, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, देवयानी के लिए क्या आ जाएगा, शी है, तो शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ओके, इफ़ ही वुड मैरी हर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, कच क्या बोलता है, नो आई कांट, कच क्या बोल रहा है, ना में जवाब दे रहा है, तो जब भी नो में रिप्लाई आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिप्लाइड इन द नेगेटिवली। ओके, तो क्या लिखेंगे, कच रिप्लाइड इन द नेगेटिवली, अथवा कच रिप्लाइड इन द नेगेटिव भी लिख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे उसने बोला ना, नो में जवाब दिया और फिर आगे बोलता है आई कांट, एंड एडेड दैट, जब भी एक्स्ट्रा कोई सेंटेंस जोड़ा जाता है तो वहाँ पर हम लिखते हैं एंड एडेड दैट, एंड एडेड दैट, क्या जोड़ा उसने कि वो मैरी नहीं कर सकता, ही आई कांट, आई का क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो ही लगाया हमने। फिर कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कुड नॉट, और आगे सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे, उसका कहने का मतलब क्या था, मैरी हर, नो ही कुड नॉट मैरी हर। ओके, नेक्स्ट है देवयानी क्या पूछती है, फिर देवयानी पूछती है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ यू, तुम्हारी समस्या क्या है, क्यों शादी नहीं कर सकते हो। देवयानी आस्क्ड कच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क लगाओगे, देवयानी आस्क्ड कच, क्या पूछा, अब हमको कंजक्शन यूज़ करना है, क्या यूज़ करोगे, अभी मैंने बताया ना कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हो तो वही डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हम कंजक्शन की जगह पर यूज़ कर लेते हैं, तो वॉट दिया है, यानी वॉट को ही यहाँ पर लगा देंगे, तो वॉट आ गया। अब हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम लगा दिया, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, वॉस हो जाएगा, विथ दिया है, विथ लगा देंगे, यू दिया है तो यू में क्या हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कच दिया हुआ है तो कच के लिए हम क्या लगाएंगे, कच के लिए ही आता है, ही ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम हो जाएगा, है ना, विथ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, कच नाउ यू आर माई सिस्टर एज वी हैव द सेम फादर, तो कच क्या आंसर देता है, कच आंसर देता है, कच जवाब दे रहा है ना, कच एक्सप्लेन्ड, है ना, एक्सप्लेन किया, यहाँ पर एक्सप्लेन की जगह पर आप लोग आंसर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कच एक्सप्लेन्ड हर दैट। अब सेंटेंस कैसा है, ये असर्टिव है, इसलिए यहाँ पर दैट लगा है, दैट, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन होता है। ओके, समय दशक शब्द में देखा था, नाउ का देन हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हर, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर क्या बन जाएगा, वो शी बन जाएगा, शी के साथ में क्या आएगा, आर का वर तो होगा नहीं, लेकिन सी के साथ वॉज हो जाएगा, सी वॉज माई, माई यानी कच के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही का हीज हो जाएगा, हीज सिस्टर, एंड वी दिया है, वी यानी फर्स्ट पर्सन दिया है, तो फर्स्ट पर्सन यानी कच, कच क्या है, ही,
अब ही का बहुवचन रूप क्या होता है, दे हो जाता है, तो यहाँ पर दे और हैव का हैड हो जाएगा सेम फादर। ओके, जहाँ पर भी हैज़ होता है हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, हैड कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, इसको घर पे भी आप लोगों को सॉल्व करना है। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।